हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन वन एंजल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और सक्सेस होते रहिए। दोस्तों, यहाँ पर आज की रीडिंग है कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके लवर हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है और आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो दिल से जुड़ा होगा, जो प्यार से जुड़ा होगा, जो अच्छाई से जुड़ा होगा। यहाँ पे इस कार्ड से आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो हम लोग को बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी कहा सुनी हुई है, जो भी चीज़ों को लेकर हमारे मन में मुटाव आ गया है, या तो दूरियां बढ़ गई हैं, या फिर यहाँ पे आपको जो भी तकलीफें हैं, मानसिक तकलीफें एक दूसरे से, या एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि हम दोनों एक साथ बैठकर इस सिचुएशन पे बात करेंगे, तभी हमारी समस्या का हल निकलेगा, अन्यथा समस्या और भी अधिक बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि अगर हम अपना थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के पास, एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, कहीं बाहर जाएंगे, गार्डन में जाएंगे, घूमने जाएंगे या पिकनिक पे जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को जानने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे दोनों के मन में चल रहा है, जो भी बातें चल रही हैं, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करके और आपस में कहा सुनी जो भी हुई है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे और अपनी जो भी समस्या है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे से सॉरी बोलने की हम कोशिश करेंगे। लेट गो, यहाँ पे आपके पर्सन बोलना चाह रहे हैं कि जो हमारे बीच में हुआ है उसको हम लेट गो कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या क्योंकि अगर पुरानी बातों को हम पकड़ कर रखेंगे तो हमारे में फिर से वही लड़ाई झगड़े, वही दूरियां, वही कमियां आती चली जाएंगी। अगर पुरानी बातों को, पास्ट की बातों को, पुरानी बातों को अगर हम छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, तब हमारे जीवन में प्यार की बरसात होगी, प्यार की बूंद बरसेगी, प्यार का जो ओस होता है वो खूब शीतलता लेकर आएगा हमारे जीवन में। कंट्रोल, यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं कि हम दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर दोनों समान रूप से चलते हैं, दोनों समान रूप से रहते हैं, तब तो ये जीवन का जो पहिया है बहुत ही स्मूथ चलेगा, बहुत ही सुखमय से बीतेगा, बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तो हम दोनों अगर कंट्रोल में हैं, नियंत्रण में हैं, एक दूसरे की बातों को मानते हैं, एक दूसरे के निर्णय को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारा जीवन जो है प्यार से भर जाएगा, सक्सेस से भर जाएगा और सफलताओं से भर जाएगा और हमारा लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।